दुनिया के कुछ शहर ऐसे भी हैं, जहाँ रहने वाले लोग अक्सर धूप के लिए भी तरसते हैं। चलिए अब ये छोटी मोटी बातें छोड़कर जरा दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में बात करते हैं। वो जगह जहाँ का पारा कभी कभी -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, -70 डिग्री। ऐसा शहर जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ हर चीज जम जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, कहीं आना जाना या फिर रोजमर्रा के बाकी काम किस तरह करते होंगे? दोस्तों, उनके जैसे लाइफ जीना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। तो चलिए आज आपको उसी शहर के सफर पर लेकर चलते हैं। राजधानी मॉस्को से पूर्व की तरफ 3000 मील का सफर तय करने के बाद आता है दुनिया का वो सबसे ठंडा कोना, जिसका नाम है ओमियाकॉन। इस जगह को नॉर्दर्न पोल कोल्ड भी कहा जाता है। साइबेरिया में बर्फ की घाटी में बसा ये एक छोटा सा गांव है, जो कि इंसानों की बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। साल 2018 के डेटा के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 500 से 900 लोगों की है। ये लोग हर दिन जिंदगी से जूझते हैं। यहाँ देखते ही देखते पानी जम जाता है और चेहरा बर्फ से ढक जाता है, फिर भी यहाँ लोग बसे हुए हैं। हालात तो कुछ वैसे तो से हैं कि यहाँ पानी तो क्या, आदमी भी जम सकता है। और इन्हीं हालातों की वजह से यहाँ के लोगों का जीवन काफी मुश्किलों से भरा है। अब हम वहाँ जा तो नहीं सकते, लेकिन चलिए आज हम आपको इनकी डेली लाइफ और रूटीन की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। ओमियाकॉन इतना ठंडा शहर है कि अक्सर लोगों का रोजमर्रा का काम ठप पड़ा रहता है। ना तो कोई काम पर जा पाता है और ना ही कोई भी काम हो पाता है। और तो और, यहाँ जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर ही बर्फ जम जाती है। लोग 6 से 7 लेयर कपड़े पहनते हैं। यहाँ की बेतहाशा सर्द जिंदगी इतनी मुश्किल है कि दौड़ने भागने जैसे सामान्य कामों के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और जरा सी लापरवाही से जान भी जोखिम में पड़ सकती है। सर्दियों के सीजन में तो यहाँ लोगों को दिन की रोशनी सिर्फ 3 घंटों के लिए ही नसीब होती है। हाँ, मगर गर्मियों में यहाँ 21 घंटों तक भी रोशनी रहती है। वैसे तो मोबाइल फोन्स आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी यूजलेस हैं। यहाँ के नलों में पानी भी नहीं आता, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि इतने कम तापमान में वाटर पाइप भी जम ही जाएंगे। ऐसे में यहाँ रोजाना टैंकर की मदद से पानी को एक बॉयलर पॉइंट में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर पानी को गर्म करने के बाद गाँव के घरों तक इसे सप्लाई किया जाता है। बता दें कि इस बॉयलर को भी 2400 घंटे जलाए रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी आग के ठंडे पड़ जाने का मतलब है ओमियाकॉन की जिंदगी का ठंडा पड़ जाना। जब वहाँ रहने वाले लोगों के घरों तक पानी पहुँचता है तो उसे तुरंत गर्म ड्रमों में भरना पड़ता है, क्योंकि जरा सी देरी होने पर पानी पाइप में ही जम जाता है। यहाँ ठंड की वजह से जमीन भी इतनी सख्त हो जाती है कि उसे आग जलाकर नरम करना पड़ता है। जब कोई गड्ढा खोदा जाता है तो हर दिन काम खत्म करने के बाद गड्ढे के कोने में सुलगता हुआ कोयला रख दिया जाता है, ताकि बर्फ से गड्ढा ना भर जाए। और क्योंकि इस बर्फीली जगह पर खेत खलिहानों का होना नामुमकिन है, ऐसे में यहाँ खेती भी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ ब्रेड, अंडे, मीट और फिश ही खाते हैं। यहाँ तो मरने वालों को कब्र नसीब होना भी किस्मत की बात है। 3 दिन की मेहनत के बाद ही यहाँ कब्र खोदी जा सकती है। लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि इस ठंड में ज्यादा वक्त तक काम करने से जिस्म का हार्ड मास भी बर्फ बन सकता है। यहाँ तो ये कंडीशन है कि सांस लेने तक के लिए लोगों को एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना लोगों को भी बर्फ की तरह जम जाने का खतरा हमेशा बना रहता। मगर यहाँ रहने वाले लोग ऐसी ही कई चुनौतियों के आदि हो चुके हैं। 1920 से 1930 में ये जगह फौज, गडरियों और नोमैड्स के लिए कुछ वक्त ठहरने की जगह हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सोवियत सरकार के लिए यहाँ के नोमैडिक लोगों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में सरकार ने उन्हें हमेशा के लिए ओमियाकॉन में बसा दिया। तब से ओमियाकॉन इंसानी बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह बनी हुई है। तो दोस्तों, अब ये तो साफ है कि हमारी ठंड और इन लोगों की ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो सर्दियों में हम अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल देते हैं। घर से कहीं बाहर जाते वक्त हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर खुद को इन सर्द हवाओं से बचा लें, लेकिन हमें फिर भी ठंड महसूस होती रहती है। तो जरा सोचिए, अगर आपको भी -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में रहने को कहा जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, किसी जगह पर कुछ दिन के लिए घूम कर आना और हमेशा वहाँ रहने में काफी फर्क होता है। और जब वो जगह ओमियाकॉन जैसी हो, तब तो शायद वहाँ रहने का ख्याल भी हम पर भारी पड़ सकता है। अब इस जगह के बारे में जानने के बाद हम तो आपको यही सलाह देंगे, फिलहाल इधर उधर घूमने का ख्याल छोड़िए, काम में मन लगाइए, अपना कंबल उठाइए और कोजी होकर सो जाइए। लेकिन उससे पहले जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर भी। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही।
जल्द लौटेंगे एक